भाई रात के बज रहे हैं 12:06 और अभी ये मैंने एक्सेप्ट किया है ऑर्डर, पिक कर लिया है। और भाई साहब आज तो लेवल ब्लैक, कॉपीराइट आ जाएगा भाई, गाने बंद कर दो थोड़ी देर। और अब इसको डिलीवर करने जाना है राजनगर और मैं घर पहुंचूंगा रात को 1 बजे। आज मैं शुरू से शूट नहीं करा कुछ, सारी रामायण घर जाके बताऊंगा आज क्या हुआ है मेरे साथ। हेलो शुक्रबानी, मैं हुसैनी और आप देख रहे हैं रोचक तथ्य टीवी और हो चुकी है हमारी एक और शानदार सी वीडियो की शुरुआत। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी ई साइकिल की आईडी बाइक पर ट्रांसफ़र हो गई है, तो भाई मैं आपको बता देता हूँ सीधे सीधे शब्दों में, अगर आपकी छोटी सिटी है तो बाइक वाली आईडी ठीक है, अगर आप मेरे जैसे दिल्ली जैसी सिटी में काम कर रहे हो बड़ी सिटी में, तो भाई भूल के भी बाइक की आईडी मत बनाना जोमैटो में, क्योंकि ये इतने दूर दूर भेजता है ना बाइक से। मैं आपको कल की अर्निंग बताता हूँ और आपको ये भी बताऊँगा मुझे क्या क्या दिक्कत आई और कितनी कितनी दूर भेजा था। वो शुरू से शुरू करते हैं। तो हमारा पहला ऑर्डर आया 2.5 किलोमीटर से पिक था, लगभग 4 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था, 42 रुपये शो कर रहा था और इसके हमें 42 रुपये ही मिलते हैं। 36 मिनट में मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद एक और ऑर्डर आता है, पास से ही पिक था, लगभग 7.5 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था, 98 रुपये शो कर रहा था और इसके हमें 98 रुपये ऑर्डर के और 5 रुपये रिटर्न पे के मिलते हैं, यानी कि वापसी के। उसके बाद एक और ऑर्डर आता है, ये भी पास से ही पिक था, लगभग 6 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था, 80 रुपये शो कर रहा था और इसके हमें 80 रुपये ही मिलते हैं। 27 मिनट में मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद एक और ऑर्डर आता है, ये भी ऑर्डर पास से ही पिक था, लगभग 3 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था, 46 रुपये शो कर रहा था और इसके हमें 46 रुपये ही मिलते हैं। 20 मिनट में मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया था और टाइम हो रहा था 9:00 बज चुके थे। इसके बाद आफत आना शुरू हुई, देखो 2.5 किलोमीटर दूर से पिक करना था और लगभग 10 किलोमीटर 10.5 किलोमीटर ड्रॉप था ये, 110 रुपये शो कर रहा था और इसके 110 रुपये ऑर्डर के और 16 रुपये रिटर्न पे के मिलते हैं, तो 126 रुपये टोटल मिलते हैं। और 31 मिनट में मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया था। और इस ऑर्डर को करते करते मैं द्वारका के बिल्कुल एंड में पहुंच गया था, कि यहाँ से द्वारका ख़त्म और गुड़गांव की रास्ता शुरू हो जाता है, मैं वहाँ पहुंच चुका था इस ऑर्डर को करते करते। इसके बाद एक और ऑर्डर आता है, ये 1 किलोमीटर से पिक था, लगभग 8 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था, जहाँ मैं था द्वारका के एंड में और उसको 8 किलोमीटर और गुड़गांव की साइड भेज दिया मुझे। रात को ये ऑर्डर आया था, रात को 9:47 लगभग 10 बजे ऑर्डर आया। इस ऑर्डर में 89 रुपये शो कर रहा था और 5 रुपये इसमें मिले हैं हमें रिटर्न पे के, तो 94 रुपये मिले हैं। और 27 मिनट में मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया था रात को 10:30 बजे। और वहाँ से फिर मैं वापस आया अपनी लोकेशन के लिए, तो द्वारका तक ही पहुँचा था। उसके बाद एक और ऑर्डर आ गया, ये 2 किलोमीटर से पिक था, लगभग 9 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था, वापस जितनी दूर गया था ना उससे और आगे का ऑर्डर आ गया, गुड़गांव बिल्कुल अंदर घुसा दिया मुझे कल, 97 रुपये शो कर रहा था। और एड्रेस भी दिखा देता हूँ कि गुड़गांव गया था मैं, पालम विहार गुरुग्राम, भाई ये एड्रेस था उस ऑर्डर का। और इसके 97 रुपये ऑर्डर के मिले और 9 रुपये लगभग रिटर्न पे के मिले, तो ऐसे ही इसके हमें मिले हैं, तो इसके हमें 116 रुपये मिले हैं। उसके बाद फिर मैंने लगा दिया था गो टू होम, ये ऑर्डर मैंने कंप्लीट किया था 11:15 बजे और मैंने गिग्स बुक कर ली थी 1 घंटे और की, क्योंकि मुझे पता था इतनी दूर भेज दिया और वापस भी आना है मुझे। तो उसके बाद मैंने लगाया था 11:15 बजे गो टू होम और वहाँ से मैं, मेरी लोकेशन जब मैंने डाली 20 किलोमीटर दूर था, मैं गुड़गांव के पास था और वहाँ से मेरी लोकेशन थी 20 किलोमीटर दूर, तो वहाँ से फिर मैंने घर की लोकेशन लगाई, आने लगा लगभग आधी रास्ते पहुँच गया था 10 किलोमीटर। उसके बाद मेरे पास ये वाला ऑर्डर आया, इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया मैं, और ये 7 किलोमीटर से पिक था, लगभग 6 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था, 58 रुपये शो कर रहा था और इसके हमें 58 रुपये ही मिलते हैं। 29 मिनट में मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया था, रात को 12:15 बजे मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट किया और घर आते आते मुझे 12:30 से ज़्यादा ही टाइम हो गया था। तो बाइक की आईडी में ये बड़ी दिक्कत है, हमने कल पूरी 6 घंटे में 8 ही ऑर्डर कर पाए, और ये हमारी ई साइकिल की आईडी होती तो हम 8 घंटे में कम से कम 10-12 ऑर्डर कर लेते, और अमाउंट भी हमारा अभी 659 रुपये हुआ है और ई साइकिल में कम से कम 700 रुपये प्लस होता। तो भाई बाइक की आईडी में बहुत दूर दूर के ऑर्डर मिलते हैं, अर्निंग अच्छी है, पैसे अच्छे दे रहा है, 10 किलोमीटर के 110 रुपये और रिटर्न पे भी 16 रुपये मिल गए, तो लगभग 126 रुपये मिल रहे थे, लेकिन वापस आने की दिक्कत है, वहाँ से वापस आना पड़ता है 10 किलोमीटर खाली, उसके बाद लोग ऑर्डर मिले ना मिले, तो इस आने जाने में टाइम बहुत ख़राब हो जाता है। और वही ई साइकिल में तुम्हें 5 किलोमीटर का ऑर्डर देगा और 5 किलोमीटर से तुम आसपास ही होगे तो तुम्हें दोबारा ऑर्डर जल्दी मिल जाएगा, और बाइक की आईडी में 10 किलोमीटर दूर पहुँचाओ, वापस आओगे 5 किलोमीटर उसके बाद तुम्हें ऑर्डर मिलेगा, उससे पहले एग्जैक्ट लोकेशन पर ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो भाई ये बड़ी दिक्कत है बाइक की आईडी में। तो अभी मैं कर रहा हूँ जोमैटो में, जब तक ठीक ठाक
होगा तब तक करेंगे, नहीं तो हमारे पास है राजा। मैं आपको बता रहा था आई हैव जॉइनिंग स्विगी टुडे, हमने स्विगी आज ज्वाइन कर लिया है। उन्होंने एक बैग दिया है ये वाला और दो टी शर्ट दिए हैं स्विगी की। इसकी आईडी बन गई मेरी, कंप्लीट हो गई। 450 रुपये लगे इस बैग के और दो टी शर्ट के। तो संडे तक की मेरी गिग्स बुक है जोमेटो में, संडे तक जोमेटो करूँगा, उसके बाद मंडे को हम स्विगी करेंगे। और मंडे को ही बताऊँगा पूरा प्रोसीजर, कैसे स्विगी ज्वाइन करते हैं, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कैसे काम होता है और कितनी अर्निंग होती है। मैंने साइकिल की आईडी बनाई है स्विगी की, साइकिल आईडी में 20 रुपये मिलते हैं बेस प्राइस और जितना डिस्टेंस होता है उस हिसाब से, और उसमें टारगेट वगैरह भी मिलता है, इंसेंटिव भी है। तो वो सारी चीज़ सेपरेट वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को अभी यहीं एंड करते हैं, क्योंकि यहाँ ज्वाइनिंग में चला गया था मैं, अभी आया हूँ और अभी आके वीडियो भी बनानी है, इसको एडिट भी करना है, अपलोड भी करना है, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा मुझे। और शाम को 6 बजे से रात को 11 बजे तक के हमें जोमेटो में भी काम करना है। तो इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट, कोई भी सवाल पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर दो, मैं हर कमेंट का जवाब दे दूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते किसी शानदार सी वीडियो के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा। साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। एक दूनी दो ते दो दूनी चार, पक्के बदमाश साले सारे मेरे यार, कोई करे काम ते कोई कलाकार, लड़न लड़ौन नू हमेशा तैयार।